তো হে গাইস, গুড মর্নিং। সো এখন বাজছে 6:20, 3:30-4টার সময়। এবার আমরা বেরোবো, যাবো হচ্ছে কোথায় যাব, আগ্রা, আগ্রা ফোর্ট, দেন ফতেপুর সিকড়ি, দেন তাজমহল। আমাদের গাড়ি চলে এসছে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যেহেতু ট্যুরিস্ট করেছি, ট্যুরিস্টের গাইড নেব, তো আমাদের গাড়ি তাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এবার বেরোবো, সো আমাদের সাথে ট্রিপটা এনজয় করুন। চললাম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, চুল অনেক করলি, এবার আমি একটু করে চলুন তাহলে বেরোনো যাক। সামনে একটা কেস বলবো আমি পরে আপনাদের, গাড়িতে বসে বসে বলবো। এখন আমি ফোনটা আপাতত রাখছি, কিছুক্ষণ পর আমি ফোনটা আবার চালু করবো। তো আমাদের গাড়ি চলে এসছে, আমরা চাপলাম। এবার কোথায় গেল ভাই? চলুন, তো আমরা গাড়িতে উঠলাম, গাড়ি মে উঠ গিয়া। এই যে সবাই গাড়িতে চেপে গেছে, আপাতত ভিডিও করছি, এখনো ছবি তুলিনি, তুলবো। আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে, আমার হেডফোন প্লাস বাগ দুটো নিয়ে নিয়েছে, মানে রেখে এসেছি রুমে, মানে গাড়িতে। এবার ভয়েসটা কেমন আসবে আমি জানি না, যতদূর পাচ্ছি ভালো করে কথা বলার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, কি বলছিস? আর বাঁদর 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 মাথা খারাপ করেছে, কার কারটা বাঁদরে বিশাল কেস হয়েছে, আপনাদের পরে বলবো, সাসপেন্স থাকবো একটু, বাঁদরের কেসটা আমি বলবো। সো আমরা গাড়ি থেকে নেমে আবার অটো করে, টোটো করে এলাম অনেক ভিতরে, তাজমহল এন্ট্রি। এই যে তাজমহল এন্ট্রি, এখানে টিকিট আমাদের কাটা হয়ে গেছে। চলো টিকিটটা দেখিয়ে দিই, তারপর আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। এ লা লা লা, বৃষ্টি অনেক পড়ছে, মাঠে রেখে আগুন হয়েছে, বৃষ্টি পড়ছে আর টুপি টুপি করছে। লেডিস ওদিকে চলুন তাহলে, আমার ব্যাকপ্যাক কিছু নেই, আমার চেকিংয়ে কিছু নেই, আমি সোজা ঢুকবো। আচ্ছা, তো আমাদের সিকিউরিটিতে প্রবলেম, ওটাই দেখছি মনে হচ্ছে আমরা ডাইনোসর। এখন আমরা যাচ্ছি খোলা ময়দানে, কেভের ভিতরে, দেখতেই পাচ্ছেন কেভ, ঠিক আছে। এই যে এখানে জিনিস বলি, আস্তে আস্তে চেঞ্জ, দেন 1898, 3 সাল বাদ 1901, 1959, এটা লাইট জ্বলেনি, 1987, তো এবার 20th century, 20th century, 2001, 1993 কে বাদ তাজমহল আসা নজর আতা হ্যাঁ। আপনি আপ অন্দর এন্ট্রি করেন, আপকো সেম এই ভিউ নজর আয়েগা। আচ্ছা, আপনি যে ফটো দেখা থা, সে লুক লাইক বেটার है ना, लेकिन उसमें पेंट नहीं किया हुआ है, पेंट किया है 2015 के बाद, उस वाले फोटो में देखिएगा। अच्छा अच्छा, लाइट नहीं जला इसमें, देने का ये जो फोटोग्राफ आप देखें, जो ताजमहल में मेंटेनेंस का काम है वो एबिलिटी किया जाता है, जैसे आप देखें पत्थर डैमेज हो गया था ना, तो सेम क्वालिटी का स्टोन सेम डिजाइन बना कर लगाया गया है। ये डोम पूरा गंदा हो गया था, उसको क्लीन किया गया है, तो जहाँ पे जरूरत पड़ता है इस काम को डेली किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट किसको देता है?
कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने ताजमहल बनाया था ना, उन लोगों की जनरेशन में से आज भी 2000 आर्टिजन मौजूद है। 2000 वो लोग आकर यहाँ पे काम करता है। अच्छा, उनका जनरेशन दिया था, उनका जनरेशन चला रहा है। सन टू जनरेशन जनरेशन वही लोग ही काम करेगा। हाँ, आप लेकर आना है। वो जो आप बोल रहे हैं हाथ काट दिया, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा अंदर, ठीक है? ओके। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपको समझाता चलूंगा, ठीक है? रिटर्न में वापस अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, देखो जो फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ताजमहल के 500 मीटर के अंदर डीजल और पेट्रोल का गाड़ी अलाउड नहीं है। यहाँ पे काफी सारी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जिसकी वजह से ताजमहल पूरा पीला पड़ गया था, येलो हो गया था। अच्छा, इसको चारों साइड से रेनोवेट किया गया है। ये विंडो देखो, वो अब हाँ। देखिए तो वो सारे फैक्ट्री यहाँ से आउटसाइड कर दिए गए। अच्छी बात है। ये देखिए, ये आगा कोट है, फतेहपुर सिटी, अकबर टॉम। अकबर बादशाह एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपने मरने से पहले अपना जगह डिसाइड किया था कि मेरी डेड बॉडी को यहाँ पे रखा जाए। उन्होंने अपने जीते जी इसको बनवाया था। ताजमहल का कुछ डिजाइन इस बिल्डिंग से लिया गया। ये चार पिलर देखे ना, 1 2 3 4, ये चार ताजमहल के जो पिलर है उससे डिजाइन लिया हुआ है। अच्छा, है ना? का रोजा, मेहता बाग, मरियम का मकबरा है ना, और मेहता बाग, सिकंदर, ये सारे बिल्डिंग यहाँ से आउटसाइड है। ये मेहता बाग जो है ना, ये ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है। आज इसको मेहता बाग बोलते हैं, लेकिन ये ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है। ये जब ये ताजमहल कंप्लीट हो गया था तो शाहजहां यहाँ पे सेकंड ताजमहल बना रहे थे ब्लैक स्टोन का, लेकिन वो अनकम्प्लीट रह गया। इतने का के दूसरे हाँ, उस साइड में बोलम ना रखता थे ताजमहल बनाया गया, वो मैं आपको वही बताऊंगा। चलिए चलते हैं फिर, चलिए चलते हैं। लेकिन बारिश इतना क्यों होता है रे बाबा? ये देखो पूरा गेट दिए घिरे दिए छे, जैसे क्यों आस्ते ना पड़े पूरा गेट। तो हमरा एंट्री निच्छी, कोथा एंट्री निच्छी जानी ना, तो ताजमहल कत दूरे की आछे आमा तो जाच्छी जाच्छी तो जाच्छी। ताजमहल इस गेट एग्जिस्ट। এখানে মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা এক একটা করে রুম টুম আছে, ঠিক আছে? চলুন ছবিটা তুলি। তো মনে হচ্ছে একটা তাজমহলের গেট পেরোবো, এরপরেই আই থিঙ্ক সো তাজমহল ওই তো পিছন দিয়ে আই তো এই গেটটা পেরোবো, তারপরে একটা তাজমহল উঠবে। আর এদিকে অনেক কিছু জিনিস, যে প্রচুর বড় জায়গা, প্রচুর বড় জায়গা আছে এখানে। এখানে ছবি তো ভালো ছবি আসবে, বহুত বড় জায়গা আছে। চলুন আমরা ফটো ফটো শ্যুট করি, ভিডিও তো চলবেই, ফটো শ্যুটও হয়ে যাক। আচ্ছা আচ্ছা, फोर कोड एरिया ठीक है। सर हिंदी बेगम, सर हिंदी बेगम, जितना भी वीआईपी लोग आता है वो सब इसी गेट में एंट्री करता है। वेस्टर्न गेट नेमिस फतेहपुरी बेगम गेट, जो शाहजहां का सेकंड गेट, फतेहपुर बेगम गेट। साउथ गेट नेमिस लेबर कॉलोनी गेट। क्या नाम? लेबर कॉलोनी। लेबर कॉलोनी, लेबर कॉलोनी गेट भी बोलते हैं। 1631 में जब ताजमहल बनाने का टाइम था, उस टाइम पे 20,000 आर्टिजन लगाया गया था ताजमहल बनाने के लिए। वो सारे लोग यहीं से एंट्री किया करते, तो यहीं से एंट्री किया करते थे। गेट के पीछे लेबर कॉलोनी है, लेबर कॉलोनी वो कॉलोनी आज भी मौजूद है। और आज भी इन लोगों की जनरेशन में से 2000 आर्टिजन मौजूद है जिन्होंने ताजमहल बनाया था। ताजमहल एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग बना हुआ है,
चारों साइड से सेम नजर आता है। अच्छा, जब इन तीनों गेटों को बनाया गया इसके अकॉर्डिंग ये फोर गेट बनाए गए, ये है रॉयल गेट। अच्छा, रॉयल गेट सिंगल एंट्रेंस गेट ऑफ द ताजमहल। हाइट ऑफ द गेट 105 फीट। रियल रेड सैंडस्टोन नोट पेंट, इसका नेचुरल कलर है ना, नेचुरल कलर, कोई पेंट नहीं है। बैर द फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी 35 किलोमीटर फ्रॉम आगरा औरंगाबाद जयपुर। दैट टाइम जब ताजमहल बनाया गया तो उस टाइम पे कैलकुलेट करने के लिए नो लैपटॉप, कैलेंडर, कैलकुलेटर कुछ नहीं था। तो आप देख सकते हैं लुक एट योर वाइट स्मॉल स्मॉल डोम देख रहे हैं ऊपर। हाँ, आप इनको काउंट कीजिए कितने हैं, हाउ मेनी डोम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यस 11 डोम्स इनसाइड है, 11 आउटसाइड। हाँ, टोटल 22 रीजन कीप इट इज द मेमोरी। सो 1 year वन डोम, 2 years टू डोम, कंप्लीट द ताजमहल 23 years, सो 22 डोम्स। मतलब कोई मालूम पड़े कि ताजमहल को बनाते हुए टाइम कितना लगा है। तो जैसे एक साल होता था एक डोम बना के रखते, तो दूसरे साल वो दूसरा डोम बना के रखता, तो 22 साल में कंप्लीट हुआ था ये 22 डोम खड़े हुए। पहले ये मिट्टी का बना के रखते थे, जब इसको गेट को बनाया गया तो गेट के डिस्टेंसिंग के हिसाब से 22 मार्बल का बना के इसका साइज लगाया गया। और कॉस्ट ऑफ ताजमहल दैट टाइम 4 करोड़ रुपीज़ का कॉस्ट आया था उस टाइम पर ताजमहल बनाने का। उस टाइम पर जो गोल्ड चलता था ना, जब उसको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट किया गया तो 4 करोड़ रुपीज़ का लागत बैठा था ताजमहल बनाने में। और 7 जनरेशन मुगल का यहाँ पर शासन किया, जो फर्स्ट मुगल एम्पायर आए थे बाबर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, फिर उसका बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, लास्ट एम्पायर आए थे मुगल राज्य। ये देख सकते हैं चारों साइड रूम बना हुआ है छोटा छोटा, ऑल राउंड चारों साइड। ये 210 घूमते घूमते तो ऐसे बता सकता था कि मैं आप अकेले मेरे साथ चल रहे होते है ना, कोई आगे हो जाएगा। कोई 210 रूम बनाए, ये इसलिए बनाया गया था मुमताज की डेथ एनिवर्सरी टाइम, जो उनका रिलेटिव आता था मुमताज का, उनका रहने का इंतजाम यहाँ पे किया जाता था। वो लोग यहाँ पे आके रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे होटल और गेस्ट हाउस नहीं होते। विंटर टाइम में इसको कवर किया जाता था कारपेट से, समर टाइम में इसको ओपन रखते। और ये देख सकते हैं हम लोग की ये जो लुक लाइक दिस पेंटिंग बट नॉट पेंटिंग, ये सारे रियल जेम्स स्टोन्स और पेसिस एंड साइन पेसिस स्टोन्स, जो कि लेडीज लोग ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। ये सारे वो स्टोन्स हैं जो कि 16 कंट्री से डिफरेंट कंट्री से मंगाई गई। इसको इल्ले वाक बोलते हैं, जो कि वाइट स्टोन में कटिंग करके 2.5 मिलीमीटर अंदर में डीप किया हुआ स्टोन और ग्लू से फिक्स किया हुआ है। दूसरे ऐसा लगता है कि पेंटिंग में सारे जेम्स स्टोन है। ये लेटर लिखा हुआ है, ये बॉर्डर जा रहा है ना, लेटर लिखा हुआ है मुस्लिम मोदी बुक ऑफ कुरान, ये कुरान का चैप्टर लिखा हुआ है। बाप रे, ऐसा 50 चैप्टर यूज किया गया है। ओके, अब हम लोग यहाँ से चल के अंदर एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीज बता दूँ। देखो आपको दिखाई दे होंगे पेड़ के नीचे वो लोग खड़े हैं ना, ये बैग लटका के खड़े हुए हैं, ये सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट से आपने टिकट किया है उसी डिपार्टमेंट ने इन लोगों को लाइसेंस दिया हुआ है, तो इनको अंदर में बेस्ट एंगल्स मालूम होते हैं कि कौन से एंगल से फोटोग्राफ अच्छा है। तो इनका एक नंबर सिस्टम चलता है यहाँ से, तो नंबर के हिसाब से ये लोग अंदर जाए क्या और लोग पिक्चर निकालते हैं, सिर्फ आपको ताजमहल का फोटो आएगा, पब्लिक नहीं आएगा। ज़्यादातर टाइम फोटो निकालते हैं, कंप्लीट मिलता है गेट के बाहर, सभी पैसा पे करना होता है, अंदर में कोई एडवांस नहीं देना होता। तो जिस बंदे का भी नंबर होगा वो आपसे मिलने के लिए आएगा। अगर आपको उनसे अच्छे अच्छे फोटोग्राफ निकलवाना तो इनको हाल यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो गाइस हमारे एक प्रॉब्लम हो गया, যে বলছে যে গেটটা আছে এটা হচ্ছে রয়্যাল গেট, আর বাকি গাইডের কথা আপনারা শুনলেন। তো রয়্যাল গেটটা বেরোবার পরে আমরা কোনো ভিডিও করতে পারবো না, জাস্ট ছবি তুলতে পারবো। তো এরপরে আমি ছবিগুলো আপনাদের দেখাবো, কোনো ভিডিও হবে না। অতএব এখানেই ভিডিও স্টপ, দেন বেরোবো, তখন আবার ভিডিও করব। তো এখন দেখতে পাচ্ছি যা বিশাল ভিড়, ভিড় লেগেছে, বিশাল সলিড ভিড় লেগেছে। আমাদেরকে দেখে দেখে মনে হচ্ছে ধরে ধরে আসছে, এখান থেকে এখানটা সলিড আসবে ভাই। এই হচ্ছে আরেকটা গেট, ওইদিকে আরেকটা গেট আছে, আর ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ 4টে গেট। সো আমরা এখানে ছবি শ্যুট করে এবার ভিতরে ঢুকবো, ভিডিওটা এতদূর পর্যন্ত, তারপরে নেক্সট পরে হবে। তো গাইজ আমাদের ভিতরটা পুরো কমপ্লিট হলো, মোটামুটি 1 ঘন্টা মতো লাগলো ভিতরটা ঘুরতে, ভিডিও কিছু করতে পারিনি। সো আমরা এখন বাইরে যাই, এবার বাকিটা ঘুরি। এখনও মিনি তাজমহল দেখা বাকি আছে, আর একটা জিনিস আছে যেটা আমি ডিসক্রাইব করবো না, দেখতে পাবেন ভিডিওতে। ওয়েদারটা বেশ ভালো না, আমি পিকচার মেনশন করে দেবো, পিকচার অনেক তুলেছি, পিকচার মেনশন করে দেবো।
ঠিক আছে, তো তখন দেখতে পাবেন। সাথে ডিএসএলআর আছে, চাপ নেই, বিন্দাস ছবি তুলছি। তো এবার বাইরে যাই, বাইরে গিয়ে কতগুলো জিনিস কালেক্ট করা আছে যেগুলো বাইরে রেখে এসেছি, আমরা জমা করে দিয়ে এসেছি, সেগুলো নিতে হবে। দেন বাইরে যাব, দেন কিছু খাবো, দেন আরেকটা জায়গায় যাব। তারপর আগ্রা ফোর্ট বাকি আছে, ফতেপুর সিকড়ি বাকি আছে এখন অবধি, দেখতে থাকুন। আরে ও বলছে যেটা, ও যেটা ও বলছে। সো আমরা বাইরে বেরোই, এই যে বাইরে এক্সিট গেট। সো আমাদের বাইরেও বেরোনোর সময় চেক কমপ্লিট, সব কমপ্লিট। এবার আমরা বাইরে বেরোবো, গার্ডগুলো যেগুলো বললো, সোজা আমরা একদম ডাইরেক্ট রুম ইয়ে যাবো, গাড়ি পর্যন্ত যাবো, কোনো দিকে এদিক ওদিক না। সো চলুন আমরা তাহলে বেরোই বাইরে, একদম ডাইরেক্ট গাড়ি অবধি। তো আমাদের টোটো রেডি, এই টোটো আর একটা লাল টোটো, আমলকার টোটো রেডি। তো চলুন তাহলে আমরা এবার যাই ইয়ে পর্যন্ত, গাড়ি অবধি চলুন। তো আমাদের গাড়ি রেডি, একটা গাড়ি ঢুকছে বলে আমাদের গাড়িটা আগাচ্ছে। তো আমি এবার গাড়িতে উঠে আমার বাগটা নেবো, গাড়িতে উঠে আমি বাগটা নিয়ে নেবো, চলুন গাড়িতে ওঠা যাক। তো গাইস আমাদের এখানে নিয়ে এলো মিনা বাজার শপিং সেন্টার, এখানে বেবি তাজ শো দেখতে পাওয়া যায়, যেটা আপনাদের বলেছিলাম মনে হয় সেটাই। দেখি চলুন, এই হচ্ছে সেই বিল্ডিং, চলুন ভিতরে ঢোকা যাক, কি আছে ভেতরটা দেখে আসি। বাপরে তো লাইট আসছেই না। লেকিন ইয়ে ভিউ অরিজিনাল তাজমহল মে আবি 1984 সে বন্ধ হে। আচ্ছা তাজমহল কো নাহি দেখ, তাজমহল অরিজিনাল ভিউ দারুন লাগ। আর দেখিয়ে সানরাইজ মে তাজমহল কেসা লাগতা হে, সুবহ সুবহ কে বক্ত ইয়ে হে সানরাইজ। উধার সে লাইট আকে ইধার সে জো রিভার্স সাইড সে সূর্য নিকলতা হে, জেসে জেসে নিকলতা জাতা হে ও পার্ট বিলকুল ট্রান্সলুশন হোতা জাতা হে। আচ্ছা লাইট উসমে সে পাস থ্রু করতা হে। ওর রেনি সিজন মে তাজমহল কেসা লাগতা হে ও আপ লোগ ইয়া হাম লোগ ইমেজ নি কর সকতে, জেসা ভি হোগা আজ আপকো তাজমহল হোয়াইট কালার নি আ রাহা হোগা, थोड़ा शेडेड नजर आ रहा होगा। हां देखो रेनी व्यू में क्लाउडी व्यू में ऐसा लगता है जब बादल होते हैं। देखो सनसेट व्यू में ताजमहल ऐसा लगता है। मूनलाइट ये नाम तो दिख रहा